हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और हम लोग बादाम खा रहे हैं आज, और नमक भी ले लिए हैं। और इधर हम लोग का छोटा बाबू खा रहा है, और मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ खाने के लिए। देखिए, पका पका बादाम देख पा रहे हैं। और हम लोग आज भींगी थी कि नहीं बारिश में? हम लोग का बर्फ गिर रहा था और बारिश आ रहा था। बर्फ का मतलब फट गया था, बादल बोल के गिर रहा था पर अपना। और सुबह धूप आया तो पिघल गया, और एक बार बारिश आया, रुक गया। इसीलिए हम लोग क्या खा रहे हैं? बादाम पका पुका बारिश में। इसलिए इधर ये भी ले लिए, मेरा हाथ में लगता है वही को देख पा रहे। मैं भी खाना शुरू करती हूँ। और मैं अभी पढ़ाई लिखा के अपने बादाम खा रही हूँ, और इधर मैं नमक ले ली और मुँह में डाली। और इधर पापा भी नमक ले रहा है। तुम क्या खा रहे जी? हीरो हीरो बेटा खा रहा है और बादाम बादाम खा रहा है। और मेरे पीछे चल गया। और क्या क्या है मेरे पास? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं अपना चैनल कीर्ति लकड़ा ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी लंच करने का टाइम हो गया है, मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज क्या बना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो लंच में हम लोगों का आज बना है साग और ये चिप्स। तो ये बच्चों का प्लेट है। इधर बैठे बेटा, इधर बैठे। तो ये रहा बच्चों का प्लेट। आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ, बस साग और चावल और चिप्स हम लोग का बना है। तो अभी हम लोग खाते हैं। तो कभी कभी ऐसे सूखा भी खाना चाहिए। और मैं ये टमाटर थोड़ा गल नहीं पाया, साग बनाई हूँ। ये चाइनीज साग है, बहुत ही स्वाद लगता है। मैं इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्च खाऊंगी। हरी मिर्च भी बहुत ही स्वाद लगता है साग के साथ खाने के लिए। तो गाइस, मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत ही स्वाद लग रहा है साग। बहुत दिन के बाद में आज मेरे घर में साग बना, चाइनीज साग। नहीं तो क्या करते है बेटा, उधर अपना खाना खा जा। बहुत दिन के बाद में साग बना तो खाने में बहुत ही टेस्ट लग रहा है। तो गैस हम लोग खाने के बाद में मिलते हैं। बहुत ही स्वाद है, खा लेती हूँ मैं। और बच्चों को मैं बुलाती हूँ। काव्या, बच्चे स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाते हैं ना, उसके बाद में वो खाने में ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं उनको बुलाती। चलिए क्या पका रही है? खाना। क्या खाना पका रही? खाना का नाम बता रही। बाप रे, ये सबको नहीं तोड़ना है, इसमें टच सोच नहीं करना है। लीची का पेड़
थोड़ा नमक डालते हैं। इस सबको खेलना नहीं, इसको ऐसे तेरा बाबा को बांधने बोले, बांधा नहीं, बांध देंगे हम इसको। और उसको क्या निकाल के लाया है, जा अंदर रखो जा। और पत्ता सबको तोड़ती है, आजा कुछ दिखा रहे, आजा आना है तब ना। ये देखो ये मैंगो ट्री ना, और इसको छूना नहीं है ओके। इसमें फूल लग गया है, हम लोग का मंजर आ गया है, ये फलने वाला है, ये देखिए हाँ, तो इसको छूना नहीं है ठीक है ओके। लीची का पेड़ देख लीजिए, नहीं छूना है ना, इसमें मंजर लग गया है बेटा, और नहीं तोड़ना सब नहीं है। तो देखिए गाइस कितना कितना ही अच्छा ये मंजर लगा है, छोटा छोटा लगा है, लेकिन नहीं छूना ना बेटा, नहीं तोड़ना है ठीक है, पत्ता को भी नहीं खींचना है, हिलाना भी नहीं ठीक है। नहीं ढकलना है इसको, तो ये इसका अंदर घुस जाएगा। हाँ, और इसमें फलेगा भी नहीं, आम टूट जाएगा और फूट जाएगा। हाँ, आम फलने वाला है। ये हम लोग का टमाटर तो पानी में डूब जा रहा है, फल रहा है, फल घुसो उधर, और खाली पैर रहता और घुसता है, दब जाता है जो दब जाता है। चलो हाथ हाथ पैर धोवा और चलो थोड़ा देर अंदर सोने चलेंगे हम लोग। हाँ नहीं, होमवर्क फिर कौन बनाएगा कल का, हम लोग काव्यंस का ही ज्यादा होमवर्क है ना। पैंट ठीक करो बेटा, बना सकते हैं ना मम्मी। काव्यंस पैंट ठीक करो, कैसे पहनो तिरछा। हम और बना बना दिए ना मम्मी। नहीं दबा, इधर चिंगना चू चू कर रही है, निकल जाती है रे, इधर से कहां से गैप है। इसमें चूजे चू चू कर रही है। वहाँ पर देखिए सेम भी फल है, हम लोग देखिए सेम। और उधर पूरा आम का पौधा सब बढ़ के भर गया है। अभी देखिए काफी पतला फैला गया है, इतना खिलौना इसके पास रखा पड़ा है। देखिए क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा बेटा, कुछ तो बोलो, क्या है वो क्या है, कौन ऊपर रख रहे हैं, क्या बना खेल रहा है। तो इनका खेलना खिलाना मस्ती चलता रहता है। देखिए क्या है, हाउस है मतलब बहुत अच्छी।